हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच रखें, आर्मोल की लंबाई 5.5 इंच है। ब्लाउज का साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 3 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर देते हैं। नीचे के साइड पे 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क कर देंगे। दोनों मार्क को बिल्कुल बराबर करते कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की लंबाई लेंगे तो देखिए, मैं गले की लंबाई 11 इंच रख रही हूँ। 11 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क को बिल्कुल बराबर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। तो मैंने बराबर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब गले की डिज़ाइन का मार्क करें, आप वीडियो में देख लीजिए। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद 1.2 इंच पे हम एक और मार्किंग कर रहे हैं। तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं कहाँ से 1.2 इंच पे मार्किंग करूँ, इस तरीके से कर दीजिएगा। तो मैंने पूरा मार्क कर दिया। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन देखिए ड्रॉ कर दिए हैं। ये मैंने पूरा डिज़ाइन का मार्किंग अच्छे से कर दिया है। अब हम बकरम लेंगे, इसको आप कैनवास भी बोलते हैं। तो देख लीजिए, अब जो मार्किंग किए थे वो पता चल रही है, ट्रांसप्रिंटेड हो रही है। उसके ऊपर से देखिए मार्क करें, इस तरीके से मार्किंग कर दीजिएगा। तो मैंने दोनों लाइन को अच्छे से देखिए ड्रॉ कर दिया है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। अब इसको साइड करते हैं पेपर पेस्टिंग को, और हम ब्लाउज के गले को कट करेंगे। तो जो फर्स्ट वाले गले की मार्किंग है देखिए, उसको कट करें, ऐसे कट कर दीजिएगा। अब हम ब्लाउज का कपड़ा लेंगे और इसके बराबर में सेम रख देंगे। देखिए मैंने ले लिया है। अब गले को कट कर देते हैं। दोनों को गले को बिल्कुल अच्छे से कट कर दिया, बराबर में देखिए रख दिए। एक सिलाई लगा गले की पूरी अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर देते हैं। तो देखिए मैंने गले को बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा स्टिच कर दिया है। अब हम ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज के हम अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर देते हैं। तो देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरे ब्लाउज को अच्छे से स्टिच कर दिया है। अब इस ब्लाउज को हम साइड करेंगे। इसके गले पे हमें डिज़ाइन बनाना है, तो चलिए डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने ये पेपर पेस्टिंग जो मार्किंग किया था उसको ले लिए। अब नीचे के साइड का जो मार्क है उसको देखिए, वहीं से सेम कटिंग कर रहे हैं। तो मैंने ये कटिंग कर दिया इसका। हम इसके साथ में फैब्रिक ज्वाइन करेंगे। तो अच्छे से फैब्रिक को ये देखिए मैंने ले लिया, फैब्रिक को स्टिच कर देते हैं। तो आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल बराबर फैब्रिक के साथ में ज्वाइंट हो जाएगा। मैंने एक साइड से स्टिचिंग कर दिया, दूसरे साइड से भी स्टिचिंग कर लेंगे अच्छे से। ये मैंने स्टिचिंग इसकी कम्प्लीटली कर दिया। इसमें जो फैब्रिक है, इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देते हैं। ये मैंने कट करके निकाल दिया। अब जो फैब्रिक हमने थोड़ा थोड़ा छोड़ा हुआ उसको नीचे के साइड फोल्ड करते जाएंगे और उसको स्टिचिंग करते जाएंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे स्टिचिंग करूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो मैंने पूरा अच्छे से देखिए स्टिचिंग कर दिया है। अब इसमें जो गले में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देते हैं। तो ये मैंने कट करके निकाल दिया। ये मेरा देखिए गले मॉडल में पट्टी बिल्कुल बराबर में आ चुकी है। अब इसको हम ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करेंगे। तो ब्लाउज ले लिए, गले पे बिल्कुल बराबर इसको रख देंगे। अच्छे से बराबर में पूरा रख दीजिएगा माप लेते हुए मिड से। अब इसको हम एक सिलाई लगा के पूरी स्टिचिंग कर रहे हैं, ऐसे कर दीजिएगा। तो मैंने अच्छे से स्टिचिंग कर दिया है गले पे। डिज़ाइन को आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर हमें पाइपन करना है। तो मैंने ये पट्टी ली स्ट्रेचबल, क्योंकि क्रॉस में कटिंग किया है। इसको डबल फोल्ड करेंगे और साइड से एक सिलाई लगा के इसकी पूरी स्टिचिंग कर देंगे। इससे पाइपन बनाने में आसानी रहेगी। ये पाइपन की पट्टी बन चुकी है। ब्लाउज का कपड़ा लेंगे जो ब्लाउज बना रहे हैं, और उसके गले पे पट्टी को बिल्कुल बराबर करते पूरी स्टिचिंग कर देते हैं। तो मैंने पाइपन की पट्टी को पूरा देखिए गले पे स्टिच कर दिया। अब इसको राउंड करते हुए हम पाइपन बनाएंगे। तो बीच से कट लगा दीजिएगा, क्योंकि हमारा गला थोड़ा सा बीच में वी शेप में है। तो देख लीजिए राउंड करते हुए पाइपन बना के स्टिचिंग करें। इस तरीके से पाइपन बनाते हुए पतली सी स्टिचिंग कर लीजिएगा।
तो मैंने देखिए गले पे पाइपन बिल्कुल अच्छे तरीके से बना दिया है, ये समझ में आपको आ गया होगा। इस पर डिज़ाइन करेंगे तो मैंने ये पट्टी ली, इसकी चौड़ाई मैंने 1.7 इंच रखा है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, बीच में बिल्कुल बराबर इसको फोल्ड करते हैं। एक सिलाई लगा के इसकी हम पट्टी स्टिच कर देते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे पट्टी स्टिच कर, ऐसे कर दीजिएगा। एक साइड से पट्टी स्टिच हो चुकी है, दूसरे साइड से भी हम पट्टी को बिल्कुल बराबर में एक सिलाई लगाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों साइड से मैंने इसको स्टिच कर दिया। अब इसको 1.5 इंच की लंबाई पे हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको कट करके अलग अलग पार्ट में कर देते हैं। तो मैंने देखिए कट करके अलग अलग पार्ट में कर दिया है इसको। अब इसको हमें ब्लाउज के साथ में स्टिच करना है, तो ब्लाउज ले लिए हैं। अब इसके गले पे देखिए दूसरे साइड से लूप्स बनाते हुए पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और गले पे देखिए रखते हुए स्टिचिंग करें। इस तरीके से डबल फोल्ड करके गले पे रखते हुए पूरा अच्छे से लूप्स की सॉरी डोरी का लूप्स बनाते हुए स्टिचिंग कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने गले पे बिल्कुल अच्छे से पूरा लूप्स बनाते स्टिचिंग करके आपको दिखा दिया, आप ऐसे सेम बना दीजिएगा। अब इसके ऊपर हम लेस की स्टिचिंग करेंगे, तो लेस ले लेते हैं और जहाँ से हमने लूप्स बनाते हुए स्टिचिंग किया लूप्स को, सेम उसी जगह से लेस को भी बिल्कुल बराबर में पूरा स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने एक साइड से कर दिया, दूसरे साइड से भी लेस को स्टिच करें, ऐसे कर दीजिएगा। दोनों साइड से लेस बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो चुकी है। ब्लाउज को नीचे के साइड से ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे, तो अच्छे से माप लेते हुए ब्लाउज पे ट्रक्स की स्टिचिंग कर दीजिएगा। एक साइड से ट्रक्स स्टिच हो चुका है, दूसरे साइड से भी माप लेते हुए ट्रक्स की स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड से ट्रक्स को स्टिच कर दिया। नीचे के साइड से फैब्रिक ज्वाइंट करेंगे और फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करेंगे ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते हुए इसकी पूरी अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर देते हैं। तो देख लीजिए मैंने अच्छे तरीके से ब्लाउज को नीचे के साइड से स्टिच कर दिया। मेरा ब्लाउज ये पूरा स्टिच हो चुका है। मैंने ये जो गले में से कट करके निकाला था फैब्रिक उसको ले लिया, नीचे के साइड से इस तरीके से मार्क करके कटिंग कर दिए हैं। अब मैंने देख लीजिए कैनवास ले लिया है, कैनवास को डबल फोल्ड करके रखिएगा और डिज़ाइन को सेम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। ऊपर के साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, नीचे के साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। मैंने देखिए कटिंग कर दिया है पेपर पेस्टिंग को। अब कपड़ा लिए हैं ब्लाउज को और अस्तर लिए, दोनों को बराबर में रखते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ऊपर के साइड से स्टिचिंग कर रहे हैं, मैंने कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दीजिएगा, इस पर छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसको पलट कर सीधा करेंगे इस तरीके से। तो अच्छे से पलट कर सीधा करने के बाद ऊपर के साइड से एक सिलाई लगा के फिनिशिंग की स्टिचिंग कर देंगे और इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए बन चुका है ये डिज़ाइन। अब इस पर लूप्स स्टिचिंग करेंगे, तो मैंने ये डोरी बना ली है। डोरी की हम 1.5 इंच की लंबाई पे लूप्स की कटिंग करेंगे, तो 1.5 इंच की लंबाई पे फोल्ड कर देंगे बराबर में और इसको देखिए कट करके अलग अलग पार्ट में कर दिए हैं। अब यहाँ से हम लूप्स बनाते हुए स्टिचिंग करेंगे, तो आप वीडियो में देखिए मैं कैसे लूप्स बना के स्टिचिंग कर रही हूँ। ऐसे लूप्स बनाते हुए डिज़ाइन पे पूरा स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो आपको ये डिज़ाइन समझ में आ रही होगा कैसे मैं बना रही हूँ, ऐसे आप भी बना दीजिएगा ये डिज़ाइन। ये बहुत ही आसानी से डिज़ाइन बन जाएगी आपकी, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में डिज़ाइन बताई हुई है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पूरा स्टिच कर दिया, इसके ऊपर लेस की स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने लेस की स्टिचिंग कैसे की आपको समझ में आ गया होगा। अब इस डिज़ाइन को हम ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करेंगे, तो ब्लाउज ले लिए हैं और ब्लाउज के बिल्कुल मिड से इस डिज़ाइन को रखते हुए एक सिलाई लगा के इसकी हम पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने स्टिचिंग कर दिया, ये मेरी कंप्लीट है। इसको डेकोरेट करने के लिए मोती ले लिए, मोती को नीडल की सहायता से जैसे स्टिच करके दिखा रहे हैं इस तरीके से पूरा जितने भी डिज़ाइन है स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने पूरा मोती स्टिच कर दिया। अब जो लूप्स बनाए थे उसमें देखिए डोरी डाल रहे हैं, इस तरीके से लूप्स में डोरी डाल लीजिएगा।
तो लूप्स के मिड से देखिए मैंने पूरा अच्छे तरीके से डोरी डाल के निकाल लिया है। ऐसे डोरी डाल लीजिएगा। मेरी ये ब्लाउज डिज़ाइन देखिए बहुत ही आसान थी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।